तो गाइस अब मैं इनके लिए लेके जा रही हूँ रोटी, प्याज और दाल। तो रोटी तो मैंने सुबह दीपांशी के साथ ही बना लिया था, देखना कैसा बना है। गरम है, कैसा बना है, सही है नमक। तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, और आई होप यू आप सब ठीक होंगे और अपने घर में सब स्वस्थ होंगे। तो गाइज मेरी आज ना तबीयत ख़राब हो गई थोड़ी, और मैं कुछ काम भी कर रहा था, तो अब प्रिया देखी गई है ये चाय, देखो इसमें इतना सारा घी डाल के दे गई है। अब भाई मेरे पे पी नहीं जा रही है, देखो आप देख सकते हैं, देखो मेरे पे पी नहीं जा रही बिल्कुल भी। जी को ग्लास लेकर आओ बेटा, ग्लास लेकर आओ, ग्लास लेकर आओ, इसको ना थोड़ा फेंट के तब पीऊँगा। और मैं काम करने लग रहा था, देखो ट्रैक्टर खोल रखा है मैंने, इसमें ना वो कचरा वचरा की दिक्कत आ रही है ट्रैक्टर में, बंद हो जाता है ये बार बार, तो काफ़ी सारा डीजल फैल गया मेरा। और अब इसको लेके जाऊंगा मैं नगर, इसमें कुट्टा में कुछ काम करा के लेके आना है, तो नगर जाऊंगा मैं, सुबह 4 बजे निकलूँगा कल, और वहाँ जाके इसमें कुट्टा में सामान करा के कुछ सेट करा के लाऊँगा। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको क्या करा के लेके आना है मेरे को, है ना। तो वीडियो में बने रहिएगा, जो भी गाइस ब्लॉग में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, है ना। और ब्लॉग में बनी रही, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या काम करना है मेरे को और क्या क्या करा के लाना है इसमें, है ना। तो भाई देखो ये सारा खोल कर खोल रखा है मैंने, रात को खोला था मैंने, तो काफ़ी अंधेरा हो गया, तो अंधेरे में हो नहीं पा रहा था कुछ काम, क्योंकि नट बोल्ट भी नहीं खुल पा रहे थे इसके। तो भाई सबसे प्रॉब्लम ये आ रही है ज़्यादा, कि जैसे टंकी में डीजल डलवाने जाते हैं तो कचरा वचरा आ जाता है ना, तो इस टंकी में कचरा जमा हो गया, और कचरा जमा होने से ना फिर फिल्टर चौक हो जाते हैं इसके बार बार। तो मैंने इसको खोला है, खोलने के बाद में अब देखो पूरी टंकी अलग है, ये टंकी अलग है, खुला हुआ है पूरा टंकी अलग, ठीक है। और देखो मैंने यहाँ पर ये बोल्ट भी खोला है, इसमें से बोल्ट ये भी खोला है बोल्ट, और देखो यहाँ पर मैंने बोतल लगा रखी है, क्योंकि इसको मैं बार बार इसमें कपड़ा डाल के और हिलाता हूँ उसको, तो फिर उस पर डीजल डालता हूँ, और डीजल डाल के उसमें से कचरा निकलता है। और देखो कितना सारा डीजल ख़राब हो गया भाई, वो पूरी धरती भीगी हुई है, देखो नीचे से धरती पानी वो डीजल पी गई है, और देखो ये परात पूरी, देखो परात पूरी ना भरी हुई थी, देखो डीजल बक सफ़ेद होता है ना, तो देखो वो ये जंग वाला डीजल बन गया, सारा ख़राब हो गया डीजल, ये इतना सारा, ये करीबन 15 लीटर डीजल था इसमें करीबन, वही सारा डीजल ख़राब हो गया। अब इसको ये डीजल रखा रहेगा ऐसे ही, और फिर ये बाद में कभी काम आएगा जब कोई ट्रॉली व्रॉली में चलेगा। तो अभी इसके ना मैं फिल्टर भी खोलूँगा, फिल्टर खोल के और इनको भी देखता हूँ, ऐसा तो नहीं ये भी चौक हो गए हों। और फिर इसको जाने से पहले मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे हम जाएंगे सुबह निकलेंगे 3-4 बजे, तो रास्ते में अगर कोई दिक्कत आ गई तो भाई वहाँ पर कहाँ से कुछ व्यवस्था नहीं होगी, तो इस वजह से पहले काम कम्प्लीट कर रहा हूँ इसका, और ये कंप्लीट हो जाएगा तब इसको जाऊंगा लेके। और मैं बताऊं सबसे पहले आपको कि हमें क्या कराने जा रहा हूं, कि इसमें ना यहाँ पे एक वो सेट होगा जो ट्रॉली भरने के लिए, यहाँ से पनारा सेट होगा ऐसे करके उठा के ऊपर होके, जो ट्रॉली को एकदम फल भर दिया करेगा, उसमें लेबर की काफ़ी बचत हुआ करेगी, तो इस वजह से उसको सेट कराने जाऊँगा मैं। और कल मैं ना ग्राइंडर भी लेके आया हूँ, देखो ग्राइंडर सही करा के लेके आया हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको कुछ ओ भाई ये तो ऐसे बखेर रखा है हमारी जिज्ञा ने, देखो मैं लेके आया था कल सही करा के, ये रहा सही करा के लेके आया था भाई, ये नया लेके आया था मैं, और मैंने काम किया इससे, और काम करने के बाद में ये मतलब मैं कर रहा था उसको, काम कर रहा था ऐसे करके, तो ये ना उसमें फंस गया, उस फंसने के बाद में मैं ना इसको बंद करने में लेट हो गया, बंद करने में लेट हो गया, तो इसका अंदर से कुछ इसमें ख़राबी आ गई। और ये मैं पत्थर लेके आया हूँ, ये ग्रेगमाल पत्थर है ये, ठीक है, और इनसे ना इसको साफ़ करूँगा कुट्टे को, रेगमाल पत्थर हैं, काफ़ी सामान है मेरे पे अंदर रखा है, वो तो पत्थर तो मेरे पे काफ़ी टाइप के,
जो सारे पत्थर होते हैं बुरुस वाले भी, और कई सारे पत्थर हैं मेरे पे, मैं दिखा सकता हूँ आपको। देखो ये रहा इसका डब्बा, ये रहा इसका डब्बा, ये इसका ग्राइंडर का डब्बा है ना। और इसमें दिखाऊँ मैं आपको सामान, देखो मैंने पहले अपना ट्रॉली व्रॉली पेंट की थी ना, तो देखो कितने सारे ब्रश खराब पड़े हैं। देखो ये सारे, इतने सारे पत्थर, ये सब यूज है भाई, काफ़ी सारे पत्थर तो मेरे फेंक गए। और सबसे हैवी ब्रश है ये वाला, देखो इसमें लोहे के तार हैं और ये घिसाई करता है ना। और देखो अभी मेरे पास इतने पत्थर पड़े हुए हैं, दो ये, एक ये है ना, ये तो इसका ग्राइंडर का उस पर कसने वाला है। ऐसे करके कस देते हैं इसको, ऐसे करके कस जाता है। ये ग्राइंडर की चाबी, और मैं देखता हूँ काफ़ी पत्थर तो मेरे काफ़ी सारे हैं। देखो एक हीरा पत्थर है ना, और ये कुट्टे वाले पत्थर हैं, कुट्टे के ये ऐसे पड़े हैं सारे सामान। और एक हीरा पत्थर, एक येरा, और भाई देखो एक एक येरा और होगा इधर किधर कहीं ना कहीं, एक आध तो पड़ा ही होगा। भाई सामान तो एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। देखो इतने सारे हो गए पत्थर, कितने सारे हैं ना, क्योंकि मैंने सारा सामान ये ना लेके आया था, मैं वो कंप्रेसर लेके आया था ना, पंचर पंचर लगाने वाला और पेंट करने के लिए, तो वो ना तभी लेके आया था मैं ये सारे। तो अब इसको सेट करके रखूँगा इसमें ढंग से। भाई एक एक सामान अपनी मेहनत से खरीद कर बड़ा मजा आता है काम करने में। और इसको मैंने रख दिया इधर, इसको रख दिया इधर, बेटा ये ब्रश लाओ, इसको ब्रश को रख दिया यहाँ पे, और ये पत्थर मैं इसी में रख देता हूँ क्योंकि ये खो जाएंगे फिर। भाई ये तो खराब ही है, इनसे जिज्ञा खेल लेगी, बेटा इनसे खेल ले तू। और ये ग्राइंडर की चाबी, और ये लॉक, और इसका एक हत्ता, सारा सामान इसमें रख गया। कोई छोटे मोटे सामान है ये भी रख लिया मैंने इसी में, तो भाई अब मैं ना इसको लाइट आ रही है क्या प्रिया? नहीं आ रही लाइट। अरे दोस्तों फार्मर ड्यूटी लगी। हाय गाइस, मैं अब दुबेश को भी सुलाई हूँ, और सुलाने के बाद मैंने देखा है, सुला के मैं दुबेश को आई हूँ, तो देखो इनकी चल रही है, क्या कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं ट्रैक्टर की सर्विस, और धूप हवा चल रही है, ये नहीं है ड्रॉप मार रही है। तो हमारा एक और चैनल है फार्मर डिजिटल एग्रीकल्चर के नाम से, दिख रहे हो तुम पूरे। तो मैं ट्रैक्टर के बारे में ना सारी वीडियो फार्मर डिजिटल एग्रीकल्चर चैनल है मेरा, उस पर डालता हूँ क्या है क्या नहीं, सारा ट्रैक्टर के बारे में जानकारी, जो भी ट्रैक्टर के बारे में जानना चाहते हैं या ट्रैक्टर रखते हैं तो वो उस चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? और सारी वीडियो उसी पर डालता रहता हूँ मैं, ट्रैक्टर के बारे में क्या काम करता हूँ क्या नहीं वो सारा आता रहता है। तो आपको पता चल गया होगा। और मैं आपको एक सबसे नई चीज़ दिखाती हूँ अपने अपने यहाँ की, ये झाड़ू, और मैंने ये झाड़ू आज निकाली है नई, क्योंकि वो झाड़ू पहले वाली ख़राब हो गई थी। तो गाइस जो भी हमारे ब्लॉग पे नए हो, हमारे ब्लॉग को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्यारे प्यारे कमेंट करो, और वीडियो पूरा देखो करो बिन स्किप करे हुए। क्या हो गया? दुबेश हमारा यहाँ खेलने लग गया है। एक बात, इस लड़के को नीचे छोड़ दो, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन, तो ये खेल लेगा और आप अपना काम कर लोगे, लेकिन ये
मट्टी और मतलब चीटी वीटी से, देखो चीटी जा रही, चीटी मार रहे हैं, देखो देखो। तो गाइस आज मैंने बनाया है मसूर की दाल, देखो, और मिर्च लगा रही तड़का, हींग और जीरे से और प्याज से, क्योंकि टमाटर है नहीं घर में। दाल तो मैंने सुबह बना लिया था, लेकिन उसमें तड़का अब लगा रही इसलिए क्योंकि ये अब मांग रहे खाने के लिए, तो गरम गरम ही तड़का लगा के मैंने तुम्हें खाने के लिए। दर्द सी थी तो इन्होंने रात रोटी खाई नहीं है, और अभी भी 11:30 हो गए, 11:30 हो गई है, और अब मैंने पूछी है कई बार कि रोटी खा लो रोटी खा लो, तो कह रहे हैं कि ले एक रोटी, तो लगा रही हूँ प्लेट। प्याज डाल दिया, प्याज लाल है जब लाल होने के बाद उसमें मैं दाल डाल के और उसे फिर फ्राई करूँगी। और आज मतलब मौसम इतना अच्छा हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन मैंने इतनी गर्मी की दवाई खाई है कि मुझे पसीना फिर भी आ रहा है। लेकिन आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो बारिश कहीं हो रही है शायद, इसलिए बारिश जैसा मौसम हो रहा है। तो गाइस अब मैं इनके लिए लेके जा रही हूँ रोटी, प्याज और दाल। तो रोटी तो मैंने सुबह दीपांशी के साथ ही बना लिया था, और दाल भी सुबह ही बन गया था, देखते हैं। तो पसीना यहाँ पे आज इनकी तबीयत थोड़ी सही सी नहीं है, कह रहे हैं पेट में मरोड़ सी है। ये आपको रोटी खाने नहीं मिलेगा, इसे रोटी दे, एक दो रोटी खा लो। इन्होंने रात में भी रोटी नहीं खाई और अभी भी मना कर रहे हैं कि मेरा मन नहीं। तो मैं इनसे कह रही हूँ आपका जितना मन करे एक रोटी आधी रोटी आप उतना ही खा लो, वरना बीमार हो जाओगे, और ये बीमार हो जाएंगे तो ये मान लेना कि सारा काम खत्म। टीवी का सोने लग रही है, ये हमारी प्रिंसेस सो रही है, ये हमारी प्रिंसेस, बहुत प्यारी लड़की है, बहुत शरीफ है। तो गाइस दीपांशी स्कूल से आ चुकी है, और अब दीपांशी खोल रही है अपना कपड़ा। आज पानी भी नहीं पिया आपने, तो गाइस ये इतना पानी बचा के लेके आई है, इसने थोड़ा सा पानी पिया है, आज ठंडा मौसम है इसलिए इसने शायद पानी पिया नहीं है ना। कपड़े धो दूं हैं, खोलो इसने, देखना हड्डी हड्डी चमक रही है दादा की। ये हमारी जिग्गी, ये हमारी जीगू, चीचड़ी। तो गाइस मैं गया था अभी गोरई, और क्योंकि इससे ट्रैक्टर का पूरा खुला पड़ा है, तो मैं इसको टंकी वंकी को तो मैं कस गया था इसको, क्योंकि टंकी मैंने कस दी, और काफ़ी इतना सारा कचरा निकला है ट्रैक्टर में, इतना सारा कचरा निकला है, बहुत ज़्यादा कचरा निकला है, ठीक है। तो अब ना मैं इसके सर्विस का सामान लेके आया हूँ, है ना, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या सामान लेके आया हूँ। दोनों ट्रैक्टर की सर्विस का सामान लेके आया, देखो ये वाले फिल्टर इस ट्रैक्टर के, और ये वाले फिल्टर उसके पीछे वाले के, और ये फिल्टर एक इसका है, और ये दूसरे का है, और ये इसका लेफ्ट वाला फिल्टर है। तो भाई ये तो फिल्टर छोटा दे दिया, बड़ा फिल्टर डलता है इसमें, बड़ा फिल्टर है, ये छोटा फिल्टर देती है इसमें, ये गड़बड़ हो गई। और एक सबसे एक चीज़ लेके आया हूँ, ये
ये है ट्रैक्टर का ढक्कन जिस साइड वाला, यहाँ पे देखो कपड़ा बंधा हुआ है, यहाँ पर कपड़ा बंधा हुआ है तो ये उस जगह पे कस जाएगा, है ना, तो कपड़ा वपड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो जल्दी से करते हैं ट्रैक्टर की सर्विस दोनों की, फिर धोना है ये ट्रैक्टर, ठीक है, जल्दी से काम खत्म कर लेते हैं ये वाला। तो गाइस ये कर रहे हैं पहले ये वाले ट्रैक्टर की सर्विस, क्योंकि इतना परात नहीं था, एक तो ये रहा परात और एक में दूसरा ऑयल निकाला जाएगा। तो अब काम चालू होने वाला है, इसलिए दोनों ट्रैक्टर की सर्विस होगी, फिर उसके बाद ट्रैक्टर धुलेंगे, धुलने के बाद शायद काम स्टार्ट जब होगा। ये हो गया, यहाँ सेट हो गया जी, अभी तो ये ऑयल फिल्टर भी चेंज होंगे इसके, उससे पहले ना ऑयल डाल देते हैं इसमें नया वाला। तो अभी इसमें डाल रहे हैं ऑयल नया वाला, देखो कितना साफ है, दिखाना दकार ले रहा है, देखो ये कितना एकदम वाइट है, देखो और ये इतना ये ब्लैक, यही वाला है चलता। पता नहीं इसकी सर्विस हुई भी है कभी या नहीं, हमारे यहाँ तो पहली बार हो रही है। मेरा मन कर रहा था चाय और आलू के मंगोड़े बनाने के लिए, तो मैं यहाँ पे मंगोड़े के लिए आलू और इस आलू को काट के इनके बनाते हैं मंगोड़े। मैंने मंगोड़े बनाने के लिए, पकौड़े बनाने के लिए तेल, ये बन रहा है चाय और ये है मंगोड़े के सामान। इसमें मैंने प्याज, आलू और अजवाइन और छोटे ली लग रहे हैं, पाइप लगा रहे हैं। सर्विस हो गया, तो भाई ये लड़का है, अगर इससे कोई शादी करे तो हमें बताओ, कमेंट करना, बहुत स्मार्ट लड़का है, मेहनती है, और ये अब धुलवाएगा हमारे साथ ट्रैक्टर, ठीक है ना, छोटली ट्रैक्टर धुलवाएंगे। छोटली की शादी के लिए कोई लड़की हो तो कमेंट करके बता दे। और ये ट्रैक्टर को डीजल से साफ कर रहे हैं भाई, सुबह से शाम हो गई, आज तो लगे। कल का शाम और आज पूरे दिन, आज पूरा दिन हो गया मेरे को। उस ट्रैक्टर का भी मैंने कर दिया, बस उसके डीजल फिल्टर चेंज होने बाकी है, और इसका मैंने सारा काम कंप्लीट कर दिया, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी ट्रैक्टर में चल रही थी। जब तक चाय वाय बनाते जब तक, मैंने इसमें डाल दिया है और ये येलो कलर का इसलिए लग रहा है क्योंकि इसे हम तेल में बना रहे हैं, और तेल का ही खाते रिफाइंड नहीं, और ये घर का असली तेल है। चल दिए, और ये धोने लग गए ट्रैक्टर, देखो स्टार्ट कर दिया धोना, मतलब पूरे घर में डीजल की स्मेल आ रही है पूरे घर में। अब कम से कम ये एक घंटा ले जाएंगे धोने के लिए। बहुत मेहनती आदमी है, इसे और पीछे करके धोते ना, चार पाई बार पाई भीग जाएगी। छोटली भाग गए, तो मेहनती आदमी के लिए भाई देखो लेबर सुबह से लग रही है, तो अब लेबर के शाम का टाइम हो गया, 5 बज गए, तो लेबर के लिए मैंने चाय और मंगोड़े की तैयारी कर ली है, ठीक है ना मिस्त्री, मैंने आपकी चाय मंगोड़े की तैयारी कर ली है। तो गाइस मैंने इसमें और डाल दिया और ये चाय भी उबल रही है, ये मैंने मंगोड़े निकाल दिए, पर पहले मैंने टेस्ट करवा के आती हूँ, अगर इसमें थोड़ा भी नमक मिर्च कम हो गया ना तो खाएंगे भी। तो अब देखो ये धो रहे हैं ट्रैक्टर और मैंने टेस्ट करा के आ रही,
देखना कैसा बना है, गरम है कैसा बना है, सही है नमक मिर्च तो वैसे ने अच्छा लगा, ये और ले लो, भूख लग रही है क्योंकि इन्होंने आज रोटी नहीं खाई है, सुबह एक रोटी खाई है बस दाल के साथ। जल्दी धो लो, फिर चाय भी बन गई। तो फाइनली गाइस मैं नहा के अब फ्री हुआ हूँ तो, और टाइम भी हो गया भाई 7:45 बज गए, ठीक है अभी नहा के फ्री हुआ हूँ और मैंने पहना है कैफ्री और बनियान पहनी है और सभी खा रहे हैं मंगोड़े और चाय पी रहे हैं। तो अभी थोड़ा थोड़ा दिन था ट्रैक्टर आ रही और ये ट्रैक्टर मैं कर नहीं पाया, इसको धो नहीं पाया थोड़ा क्योंकि इसका डीजल फिल्टर भी चेंज होने थे और सभी मंगोड़े खाने लग रहे हैं, लग रही है कल क्या प्रोग्राम हुआ था, चीज खाने लग रही है। तो गाइज आज का ब्लॉग बस इतना ही और मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग में, तो जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। जब तक के लिए सभी के लिए राम राम और भाई वीडियो को पूरा देखा करो।